मेजर का नाम है स्टेविद बदिया। तो आज मैं आज एक और नई वीडियो के साथ, और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मिलेज़मा, मतलब कि झाइयाँ। झाइयाँ बहुत कॉमन इशू है और बहुत सारे लोगों में आपको देखने में लगेगा कि बहुत सारे लोगों को जो होती हैं वो झाइयाँ हुई भी होती हैं। तो झाइयाँ जो होती हैं ये ब्राउनिश और ग्रेश कलर के छोटे छोटे से पैचेस होते हैं जो कि आपकी फॉरहेड पर, नोज़ पर, अपर लिप्स पर, चीक्स पर और यहाँ तक कि गर्दन और हाथों पर भी नज़र आते हैं। ये आपको कोई यह जानना ज़रूरी है आपके लिए कि कोई हेल्दी इशू नहीं हो सकता होता इससे आपको कोई खुदा ना खासा कोई जानी नुकसान या कोई हेल्दी नुकसान जो होता है, मतलब हेल्थ के हवाले से कोई नुकसान आपको इससे नहीं होता है। ये हाँ ये ज़रूर देखने में आया है कि जिन लेडीज़ को ये होता है, जिन फीमेल्स को ये होता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगती है, क्योंकि जाहिर है एक फेस आपकी खूबसूरती है, जब इसी पर काले काले धब्बे पड़े होंगे तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब इनका इलाज किस तरह से किया जाए। और बहुत सारे लोग जो हैं मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं दिन भर में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझे आते हैं वो झाइयों के हवाले से ही आते हैं। तो मैंने सोचा मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ कि ये क्यों होते हैं, उनके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं जो हम घर में कर सकते हैं, ठीक है, और जो डॉक्टर के पास भी हम जाकर करवा सकते हैं। तो ये मैंने बताया जैसे कि मेल और फीमेल्स दोनों में होते हैं, लेकिन ये फीमेल में ज़्यादा देखने में आते हैं। और वजूहत जान लेते हैं कि किन किन वजूहत से ये हो सकते हैं। अगर आपको जेनेटिक में है, मतलब थोड़ा सा शोर आएगा उसके लिए प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, जेनेटिक है मैं अगर आपके रन हो रहा है, ये जेनेटिक की वजह से हो सकता है कि अगर आपके फैमिली में ये रन हो रहा है तो आपको भी झाइयों का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा सूरज, जो सूरज भैया हैं उनकी अगर किरणें हमारे फेस पर पड़ती हैं तो आपके फेस पर मिलेज़मा मतलब झाइयाँ हो सकती हैं, और जिनको हैं उनकी बढ़ सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करिए धूप में जब भी जाइए सनस्क्रीन यूज़ करिए, अगर आपकी झाइयाँ हैं तो भी यूज़ करिए, नहीं है तो भी यूज़ कीजिए, क्योंकि सन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और मैंने बताया कि अगर हैं तो बढ़ेंगी और नहीं है तो ज़रूर होंगी, क्योंकि सूरज से झाइयाँ, पिगमेंटेशन ये लाजमी होता है। हार्मोनल चेंजेस, कुछ फीमेल्स में जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है, प्रेगनेंसी में सारे हार्मोन्स जो हैं वो आपके चेंज हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हुए होते हैं। उसके अलावा मोनोपोज जिन लोगों को नहीं पता बता दो, जिन लोग औरतों के पीरियड्स रुक जाते हैं उसे मोनोपोज कहते हैं, उसमें भी जो आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो लेडीज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं हमल रोकने के लिए, उस दौरान उसकी वजह से भी जो है आप लोगों में मिलेज़मा हो सकता है। इससे पहले मैंने मिलिया की वीडियो बनाई, इसलिए मिलिया मेरे जहन में आ रहा है। तो आपको जो है झाइयाँ हो सकती हैं, समझ आ गया, प्रेगनेंसी, मोनोपोज और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब कि हार्मोन चेंजिंग की वजह से भी आपके जो है झाइयाँ फेस पर हो सकती हैं। इसके अलावा फ्रेग्रेंस वाला मेकअप यूज़ करना या चीप क्वालिटी के मेकअप यूज़ करना, मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को जिनका चेहरा बिल्कुल क्लीन था, लेकिन चीप क्वालिटी मेकअप यूज़ करने की वजह से उनके फेस पर आज झाइयाँ हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके अलावा मैंने ऐसी लेडीज़ को भी देखा है, और ऐसी तो बहुत ही सारी हैं और अपनी आँखों से देखा है, जो कि स्टेरॉइड क्रीम्स यूज़ करती हैं। यहाँ पे बड़ी ईरानी क्रीम चली हुई थी बहुत ज़्यादा, अभी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं ईरानी क्रीम फुल ऑफ स्टेरॉइड, उसके अलावा गोल्डन पर्ल, गोरी, इन क्रीम्स की वजह से भी बहुत सारे लोगों को जो है झाइयाँ हो गई हैं और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। गोल्डन पर्ल मैंने खुद भी यूज़ की थी, लेकिन खुदा का शुक्र मुझे झाइयाँ तो नहीं होंगी। मेरा फेस जो है बहुत बुरे तरीके से काला हो गया था, एक तरह से लग रहा था जल गया मेरा फेस, बहुत ज़्यादा काला ऑयली फेशियल हेयर्स मुझे इस तरफ आने लगे। मुझे फेशियल हेयर यहाँ आते हैं हल्के से 3-4, वो मुझे स्टेरॉइड क्रीम की वजह से ही आए थे, गोल्डन पर्ल की वजह से। जैसे मैंने बताया स्टेरॉइड क्रीम्स आपको मिल या पिगमेंटेशन, मिलेज़मा, फ्रैकल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। स्टेरॉइड क्रीम प्लीज़ मत यूज़ किया करें। उसके अलावा जो चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, मेकअप्स होते हैं, उनको भी प्लीज़ मत यूज़ किया करें। उसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्किन केयर कौन से यूज़ करें, हमने ये यूज़ किया तो वो फ़ायदा नहीं हुआ, ये यूज़ किया तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपको हमेशा से कहती हूँ, जब आप स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो किसी हाई क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का यूज़ करिए, जो नए नए ब्रांड्स के नाम खोले होते हैं, मतलब नए नए ब्रांड्स लॉन्च हो रहे होते हैं अलग अलग नामों के, उनको यूज़ करके आप पैसा वेस्ट मत करिए कि ट्राई कर लेते हैं क्या पता फ़ायदा हुआ या ना, पैसे आपके टोटली वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो नया नया उन्होंने खोला, उनको खुद भी पता नहीं होता है, और सीरियसली उन्हें खुद ही पता नहीं होता है, बस बनाया हुआ तो शौक होता है और बना बना के उन्होंने बस भर दी होती है मार्केट्स और जगहों पे, ऐप्स पे बैठे होते हैं जगह जगह। तो मत यूज़ करिए, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, तो अच्छे ब्रांड की, अच्छे जो नाम वाले जो ब्रांड्स होते हैं, तो अच्छा खैर मैं नाम वाले की बात यहाँ पे मैं कट करूँगी, क्योंकि नाम वाले ब्रांड ज़रूरी नहीं है, कि कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। जैसे कि एस एल बेसिक का मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे उस पर, मुझे नहीं पता कौन लोग थे उनके, बहुत सारे लोग थे क्या थे कि वो आके कह रहे हैं आप इस तरह से कह रही हैं, अच्छा नहीं है ये एस एल बेसिक का है तो क्या करें भाई, हमने तो 5,000 रुपये देके ख़रीदा था। एस एल बेसिक हो या शाहरुख खान हो या चाहे मनीषा कोराला हो चाहे करीना कपूर, हम क्या करें भाई,
हमने तो अपनी हक हलाल की कमाई 5,000 रुपये देकर 5,500 रुपये देकर हमने चीज़ खरीदी थी, जब हमें फ़ायदा ही नहीं होगा, चीज़ ही बेकार होगी तो क्या हम नाम देखेंगे कि भाई एस एल बेसिक से या करीना कपूर से लिया था? तो नहीं भाई, हम उनकी बदनामी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? आप बदनामी की तो बात अलग है कि आप बात भी नहीं कर सकते हक की। भाई मैं तो अपने चैनल पर ऑनेस्ट रिव्यू करती हूँ, ऑनेस्ट बात करती हूँ, एस एल बेसिक की अभी तक मेरे पास फाउंडेशन पड़ी है और कभी फिर हुआ तो मैं फिर वो दिखाऊंगी फाउंडेशन की, वो ऐसे की ऐसी ही पड़ी है। 5,500 रुपये की मैंने चीज़ें मंगाई थी, फाउंडेशन मंगाई थी, सेफ्रॉन क्रीम मंगाई थी, सिरम मंगाया था, तीनों चीज़ें एज इट इज़ वैसी की वैसी पड़ी है, क्योंकि सेफ्रॉन क्रीम बहुत ज़्यादा स्किन को ऑयली कर देती है, बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाते हैं, जो एक्सपायर हो जो इनकी जो क्रीम फाउंडेशन है उसके वजह से ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ निकल रहा है, वो भी आपकी स्किन पर एक्नी करती है। जो आपका जो वो है सिरम, वो मुझे पसंद आया था, वो अच्छा था, लेकिन वो कुछ आपको ये नहीं देता कि आपकी स्किन को वाइटनिंग कर देगा या बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बना देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ, बहुत जैसे हाइड्रेट और मॉइस्चराइज जरूर कर देता है वो, उसके अलावा फाउंडेशन और क्रीम तो बिल्कुल बेकार। और मैं कहूँगी मैंने अपने पैसों का मंगाया था, मुझे किसी ने फ्री में नहीं भेजा था कि मैं स्पॉन्सर वीडियो करूँ, ठीक है? तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे आज भी कमेंट आते हैं कि आप एस एल बेसिक की बात करें तो क्या करूँ भाई, एस एल बेसिक है तो मैंने तो अपने 5,000 रुपये देकर मंगवाया था ना, चाहे वो कोई भी हो, शाहरुख खान से ही मंगवाती हूँ तो मैं आके बोलती भाई गलत चीज़ भेजी है उन्होंने, या प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, एक्सपायर प्रोडक्ट है, या प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। जिनको वो भेज रही है फ्री में, वहाँ से फ्री में प्रोडक्ट आ रहा है तो वो स्पॉन्सर वीडियोज़ करें, जाहिर बात है फ्री में प्रोडक्ट आएगा तो कौन बुराई करता है, कोई बुराई नहीं करता, सब तारीफ ही करता है। तो खैर मैं तो भाई पैसे से मंगाती हूँ, अपना पैसा दे के, हराम की कमाई नहीं है मेरी, हलाल की कमाई है, और मैं वो देकर मंगाती हूँ और फिर प्रोडक्ट जैसा होता है उसको फिर मैं वैसे ही रिव्यू करती हूँ। बात कहीं से कहीं निकल जाती है, हम बात कर रहे थे मिलाजमा की, झाइयों की। तो खैर मैं ये बता रही थी कि आपने जो है मेकअप यूज़ नहीं करना है गंदी क्वालिटी का, उससे जो है मिलाजमा आपको हो सकता है, झाइयाँ हो सकती हैं। स्टेराइड क्रीम से आप दूर रहिए, जो रानी क्रीम आ रही है उससे आप दूर रहिए, ठीक है? जो आपको 2 से 3 दिन में क्रीम गोरा कर देती है उनसे आप दूर रहिए। उसके अलावा थायराइड है, आयरन की आयरन डिफिशेंसी है, तो उस वजह से भी जो है आपको मिलिया डेवलप हो मिलाजमा आपको हो सकता है फेस पर। तो अब ये जान लेते हैं कि इनकी क्या क्या वजूहत, इनकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं। तो देखें, अगर आपको पहले तो कुछ भी नहीं था फेस पर, लेकिन अगर आप छोटे से स्टार्ट होता है, छोटे छोटे से रहते हैं, फिर वो बढ़ता चला जाता है। तो झाइयाँ ऐसे ही होती है, जैसे कि मैंने बताया मेरे हस्बैंड को यहाँ पर हो रही थी, छोटी छोटी सी थी, फिर वो बढ़ने लगी थी, अब अलहमदिल्ला बिल्कुल उनका फेस क्लीन है। तो खैर यहाँ जो है उनके जो छोटे छोटे से अगर आपको आने लगे, उससे पहले कभी नहीं थे, तो सबसे पहले आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या है क्या नहीं है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ना कि किसी और से, सलून वाली बाजी से या किसी यूट्यूबर बाजी से आप पूछिए, आप खुद जाइए और डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि भाई ये क्या है। हो सकता है आपको कोई हेल्थ इश्यू हो, या आपको कोई दवाइयाँ ऐसी ले रही हो, या कोई हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको ये हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपके डॉक्टर जो है उसको ट्रीट करेंगे। उसके अलावा वो देखेंगे कि वो एपिडर्मल मतलब ऊपरी सतह पे या डर्मल मतलब कि नीचे सतह पर है, दोनों तरफ वो चेक करेंगे कि ऊपरी सतह पर आपकी स्किन के या आपके नीचे सतह पे है, वो मिक्स है, मतलब कि आधा ऊपर है आधा नीचे, उसी हिसाब से वो चेक करने के बाद फिर वो उसके अकॉर्डिंग जो आपका इलाज स्टार्ट करेंगे। आप देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो देखें, इन ट्रीटमेंट्स को 3 चीज़ों में हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका टॉपिकल क्रीम्स, उसके बाद आ जाता है आपका ओरल जो टैबलेट्स होती हैं, उसके बाद आ जाता है क्लिनिक ट्रीटमेंट्स। तो मैं बता दूं कि क्रीम्स जो होती हैं उनके बारे में बता दूं, सब लोग पूछेंगे आपके हस्बैंड का कैसे ठीक हुआ, तो मेरे हस्बैंड ने रेटिनॉल यूज़ किया, वो करते हैं, तो उसकी वजह से रेटिनॉल यूज़ करने की वजह से उनकी जो पिगमेंटेशन है वो भी ठीक हो गई, उनकी एंटी एजिंग भी होता है रेटिनॉल, तो उससे जो है एंटी एजिंग के लिए वो यूज़ होता है, और उससे जितनी भी उनकी पिगमेंटेशन थी, झाइयाँ थी, मिलाजमा था, वो सारा क्लीन हो गया। तो मैंने बता दिया, इस क्वेश्चन को भी मैंने कवर कर दिया। अब ट्रीटमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो आपका आ जाता है वो आ जाता है टॉपिकल्स, जिसमें आ जाती हैं हमारी क्रीम्स। देखिए, सबसे पहले तो उस क्रीम की बात करूँगी कि जो छोटे मोटे इलाकों में डॉक्टर्स बैठे होते हैं, वो उनके पास कोई भी औरत झाइयों के लिए जाती है या फेस की पिगमेंटेशन के लिए जाती है, तो फटाफट से वो हाइड्रोक्विनोन लिखकर दे देते हैं, हाइड्रोक्विनोन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ये 2 से 4 कंसंट्रेशन की में अवेलेबल होती है, और देखें ये बड़ी ख़तरनाक क्रीम होती है, इसको मजाक में मत लीजिए। मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है, मेरी बहुत ही करीबी रिश्ता है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, अच्छी बात नहीं है, वो ये यूज़ करी थी, उन्होंने मुझे लाकर दिखाई कि देखो मैं ये यूज़ करी हूँ, तो मैंने पहले फुर्सत में कहा, मतलब उन्होंने बताया कि देखो मैं ये यूज़ करी हूँ, मुझे क्या हो रहा है, उनके फेस पर बहुत गंदी एलर्जी हो गई थी, क्योंकि देखें ये बहुत ही खतरनाक होती है हाइड्रोक्विनोन, ये जो होती है ना, इसका बड़ा तरीके से इसको यूज़ करना होता है, इसका बहुत ज़्यादा अपनी स्किन केयर करनी पड़ती है, सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ करनी होती है, इसके अलावा अगर आप इसको ओवर यूज़ कर लेना,
इसकी टाइमिंग से ज़्यादा, मतलब इतना यूज़ करना है आपने, ज़्यादा यूज़ कर लिया तो ये और ज़्यादा झाइयों को, पिगमेंटेशन को बढ़ा सकती है, आपके फेस को डैमेज कर सकती है बुरी तरीके से। तो इसलिए तो जब हाइड्रोक्विनोन का नाम आता है तो मैं तो कह देती हूँ बिग नो, हाइड्रोक्विनोन प्लीज़ मत यूज़ करिए। आप बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आपके मिलाजमा को, पिगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं। तो अभी जो मतलब वही मैं कहूँगी, बड़े लिखे जो डर्मेट्स हैं, जो एक्सपीरियंस हमारे डर्मेट्स हैं, वो कभी भी इस तरह से हाइड्रोक्विनोन प्रिस्क्राइब करके नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो लेडीज़ हैं वो अच्छे से केयर नहीं कर पाएंगी, अपनी बहुत चलाती हैं, बेसब्री बहुत होती हैं, जितना अमाउंट बताओ वो यूज़ नहीं करती हैं, उससे ज़्यादा यूज़ कर रही होती है। मैं अपना ही बताऊँ, मैंने बहुत एक क्रीम ट्रेटिनॉइन सजेस्ट की थी कि पी साइज़ अमाउंट उसका यूज़ करते हैं, तो भाई लड़कियां तो यहाँ पर पूरी पूरी भर कर लगा रही थी और आकर बड़े मज़े से बता रही थी कि आप ही, हम तो रेगुलर लगा रहे हैं और भर के लगा रहे हैं, हमें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा। अब क्या बात करें ऐसे लोगों से, क्या जवाब दें, मुझको तो स्पीचलेस हो जाते हैं कि इनको इतना समझाया उसके बावजूद वो आकर हमें कह रहे हैं हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा। यार साइड इफेक्ट कैसे होगा, अभी थोड़ी होगा, अभी आप करो, लगाओ लगाओ, उसके बाद आप फिर देखो अल्लाह ना करे क्या हाल होता है आपकी स्किन का। जब उस पर बताया है या आपके डर्मेट्स ने बताया है कि उसका पी साइज अमाउंट कर दो, डर्मेट्स को छोड़ो, सबको छोड़ो, खुद रिसर्च करो यार, उसका अमाउंट ही पी साइज अमाउंट यूज़ होता है ट्रेटिनॉइन का, उसके ज़्यादा यूज़ नहीं होता, उसके बावजूद अपनी चला रही होती है। समझ नहीं आता कि वो ज़्यादा लगाने से उनको जल्दी हो जाएगा, रोज़ लगाने से जल्दी फ़ायदा होगा। मैं फिर ऐसे लोगों को बिल्कुल जवाब नहीं देती हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि जब आपको पूरी पूरी वीडियोस बनाकर दे दी गई है, चिल्ला चिल्ला के गला सूख जाता है बता बता के, प्लीज़ नहीं, रेगुलर यूज़ नहीं करना है, पीसेज अमाउंट यूज़ करना है, रेगुलर यूज़ नहीं करना है, पीसेज अमाउंट यूज़ करना है। उसके बावजूद एक लड़की की मुझे मेल आई विद पिक्स के साथ, उसने मुझे मेल की कि आप ही, आपने कहा था आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ना मैंने जो सोचा कि ना हो सकता है मैं रेगुलर यूज़ करूँ ये वो फलाना डिमाका, और उसने जो है रेगुलर यूज़ करी, पूरी मेल मुझे की और अपनी तस्वीरें भेजी, उसकी स्किन इस कदर बर्न हो गई थी, बिल्कुल रेड रेड और ब्लैक ब्लैक उसकी स्किन पर जो है ना निशानात आ गए थे, और वो ये कह रही थी कि उसका टच भी नहीं किया जा रहा है अपनी गलती की वजह से, कि वो रेगुलर ट्रेटिनॉइन यूज़ कर रही थी और भर भर कर लगा रही थी। भाई भुगतो आप, मैं क्या कर सकती हूँ। उसको मैंने यही जवाब दिया कि जब मैंने आपको बार बार मना किया था, बार बार मैंने एक वीडियो में बताया कि ट्रेटिनॉइन का कुछ तरीके होते हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनको समझिए, उनको देखिए, उनको सीखिए, उसके बाद आप ट्रेटिनॉइन यूज़ कीजिए। नहीं समझ रही तो मैं क्या कर सकती हूँ। इसीलिए हाइड्रोक्विनोन प्लीज़ यूज़ मत करिए। अगर किसी की भी, अभी तो 3-4 लड़कियों के मुझे कमेंट आए थे कि उनके डर्मेट ने उन्हें हाइड्रोक्विनोन प्रिस्क्राइब किया है, तो मैंने यही कहा प्लीज़ यूज़ मत करिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो क्या करने वाली हैं, ना सनस्क्रीन यूज़ करेंगी, ना स्किन केयर अच्छी करेंगी, सूरज में भी जाएंगी, घर के में अगर सूरज की रेज आती है, सहन में जा रही हैं, एक विंडोज़ पे खड़ी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो अपना केयर नहीं करेंगी, तो हाइड्रोक्विनोन जो है वो फ़ायदा पहुँचाने के बजाय आपको नुकसान पहुँचाएगी और बहुत गंदा नुकसान पहुँचाती है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि हाइड्रोक्विनोन तो नो, वो यूज़ मत करिएगा। उसके बाद दूसरी जो आ जाती है, इसके बाद एक और आती है ट्रिपल कॉम्बिनेशन, उसके अंदर आपका जाता है हाइड्रोक्विनोन, स्टीरॉइड और रेटिनॉइड्स, ये तीनों उसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये कुछ डर्मेट्स जो हैं उन लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो लोग ट्रीटमेंट नहीं लेना चाह रहे होते हैं और उनकी जो जो झाइयाँ होती हैं वो ज़रा काफ़ी पुरानी होती हैं और जल्दी वो चाह रही होती हैं रिजल्ट मिल जाए उन्हें, तो वो डर्मेट्स उन्हें करते हैं। लेकिन फिर वही बात कहूँगी कि वह डर्मेट के सुपरविजन में आपने वो करना है, उनकी निगहदाश्त हो उनके साथ, मतलब वह आप कंसल्ट किया हुआ है आपने, उसके बाद ही आप यूज़ कीजिए उसको, जितना टाइमिंग उन्होंने बताया, जिस तरह से उन्होंने बताया उसी तरह से आप यूज़ कीजिए। वो डॉक्टर की जिम्मेदारी होगी आपके चेहरे को ठीक करना, या जो भी उन्होंने बताया उस तरह से आप यूज़ कीजिए। उसके अलावा अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगी बिग नो, क्योंकि स्टीरॉइड हाइड्रोक्विनोन उसके लिए तो मैं नो कहती हूँ, लेकिन कुछ कंडीशंस में डॉक्टर्स ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब करते हैं जैसा कि मैं बता रही हूँ। लेकिन फिर वही बात कि डॉक्टर के निगहदाश्त में, मतलब डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे हो, डॉक्टर से कंसल्ट किया हुआ हो तो ही आप उसको यूज़ करो, जो उन्होंने टाइमिंग बताई, जितनी मिकदार बताई उसी हिसाब से आप उसको यूज़ करो, खुद से बिल्कुल भी यूज़ मत करो। ये दो क्रीम्स का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो आप यूज़ कर सकते हो खुद से वो है ट्रेटिनॉइन, बेस्ट रिजल्ट है इसकी। मैं प्रॉपर बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ ट्रेटिनॉइन की, कि इसके तो तारीफ़ों के पुल बांध दिए जाएँ, कितना भी तारीफ़ कर दी जाए उतनी कम है। आपके फेस पर एक्ने, आपके फेस पर पिगमेंटेशन है, ब्लास्मा है,
हर प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, यहाँ तक कि आपके जो पोर्स हैं उनको भी श्रिंक करता है, आपकी स्किन पतली हो गई है, ये एक वाहिद क्रीम है जो आपकी स्किन को मोटा भी बनाती है। आपके तिल होते हैं उनको भी ये ख़त्म करती है। आप सोच सकते हैं कितनी पावरफुल जो होती है ये क्रीम होती है, लेकिन इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ यूज़ करने का तरीका है, साइड इफेक्ट्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, कुछ एहतियात है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स नहीं कर यूज़ कर सकती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ यूज़ नहीं कर सकती हैं, उसके अलावा जो कंसीव करना चाहती हैं वो यूज़ नहीं कर सकती हैं, ठीक है। 25 साल से उम्र की बड़ी लड़कियाँ इसको यूज़ कर सकती हैं, 25 साल से नीचे की लड़कियाँ इसको यूज़ नहीं कर सकती हैं, ठीक। मतलब 25 साल की आप हैं तो यूज़ कर सकती हैं, उसके अलावा 25 साल से नीचे जो है 24 साल की वो यूज़ नहीं कर सकती हैं। ये सब कुछ मैं बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ, 39 बेस्ट है। मैंने खुद अपना प्रूफ आपको दिया है कि 39 किस तरह से काम करती है, तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, दिमाग नहीं खाऊँगी, आप खुद जाइए और 39 की आप वीडियोस देखिए, उस पर हर चीज़ मैंने डिटेल में बताई हुई है। उसके अलावा इसके लिए झाइयों के लिए ट्रैनिक्सामिक एसिड जो क्रीम होती है वो भी काफ़ी इफेक्टिव होती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वही बात कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ भी तो फिर आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करोगे, लेकिन ट्रेटिनॉइन और रेटिनॉल इन दोनों का तो खुद का एक्सपीरियंस है मेरा कि दोनों बेस्ट हैं स्किन टाइप के हर लिहाज से। एंटी एजिंग के लिए भी बेस्ट है, मतलब आपकी स्किन सैगी हो रही है, लटक रही है, टाइटनेस नहीं है स्किन पर, उन सब के लिए भी बेस्ट है रेटिनॉल और ट्रेटिनॉइन, या ट्रेटिनॉइन और रेटिनॉल सीरम बेस्ट होते हैं। अब बात करते हैं ओरल टैबलेट्स की, तो देखिए सनस्क्रीन जो होती है ये भी एक ओरल टैबलेट्स में आती है, मतलब आप इसको खा सकते हैं। इसके अंदर एक पॉलीबॉटियम लोकोटमस नाम का एक एक्सट्रैक्ट होता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपको सनरेज से जो है वो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने सनस्क्रीन ओरल टैबलेट खा ली है तो आप क्रीम नहीं लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन तो आपने लगानी ही लगानी है, उसका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। कहीं आप ये सोचें कि मैंने ओरल टैबलेट ले ली है सनस्क्रीन की तो मैं सनस्क्रीन ना लगाऊं, ऐसा नहीं करना है। वो आप खा रहे हैं लेकिन सनस्क्रीन आपने लगानी है, क्योंकि ये ऊपरी प्रोटेक्शन के लिए जो है आपकी, उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा सनरेज से। उसके अलावा ट्रैनिक्सामिक एसिड जो होती है, मैंने बताया कि क्रीम भी आती है, साथ ही टैबलेट्स भी आती हैं, तो 250 mg टैबलेट जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ट्वाइस पर डे आई थिंक खानी होती है ये, लेकिन ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप बिल्कुल भी मत खाएं, क्योंकि कुछ कंडीशंस में ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, कुछ कंडीशंस में आप इनको नहीं खा सकते हैं, तो ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप नहीं ले सकते। क्रीम आप लगा सकते हैं लेकिन टैबलेट्स इसकी नहीं खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट्स की, क्लिनिक ट्रीटमेंट्स की, या ये ट्रीटमेंट्स भी कुछ ऐसे जो आप घर में खुद भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सिखाया है केमिकल पील्स। देखें कुछ लोगों के जहन में आता है केमिकल पील्स का नाम सुनते जहन में आता है कि हमारी जितनी भी जाइयाँ हैं तो केमिकल पील्स करवाने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, और देखें केमिकल पील्स करवाने से जाइयाँ वाकई इफेक्टिव होता है, क्या ख़त्म होती हैं, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि वो ये बात सुनकर और कहीं भी पहुँच जाती हैं। आजकल छोटे छोटे सलून जो होते हैं जिनको केमिकल पील्स नहीं करना आ रहा होता है, वो भी TCA है, वो केमिकल पील लेकर बैठी है, बहुत ही ख़तरनाक होता है वो। आज तक मैंने खुद भी नहीं किया है, जबकि वो घर में कर सकते हैं, उसका सही तरीका अगर आपको आ जाए वो बहुत इफेक्टिव होता है, वो कर रही होती है। देखिए केमिकल पील अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी स्किन को बर्न कर सकता है, आपकी स्किन पर रेडनेस कर सकता है, आपकी स्किन को इची कर सकता है, आपकी पील बहुत बुरी तरीके से हो सकती है, स्किन आपकी पूरी उधड़ने लग सकती है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो खैर केमिकल पील्स अगर आप करवाना चाह रहे हैं कि अच्छा सा रिजल्ट आपको मिले तो फिर आप किसी क्लिनिक पर जाके आप करवा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आप घर में खुद से करना चाह रहे हैं तो आप ग्लाइकोलिक पील्स, लैक्टिक एसिड पील्स, सैलिसिलिक एसिड पील कर सकते हैं, लेकिन जो पिगमेंटेशन के लिए, जो मिलाजमा के लिए जो बेस्ट है उसमें ग्लाइकोलिक पील है, TCA जो है वो बेस्ट है और लैक्टिक एसिड बेस्ट है। तो लैक्टिक एसिड पील और ग्लाइकोलिक केमिकल पील की दोनों मैंने आपको करना सिखाई है, बहुत आसान है, खुद से करिए, किसी के पास मत जाइए, क्योंकि किसी का नहीं पता होता किस तरह से यूज़ करें। सलून्स की बात करी हूँ, डर्मेट की बात नहीं, क्योंकि डर्मेट से तो बेहतर कुछ कर ही नहीं सकते हैं आप। डर्मेट तो डर्मेट है जाहिर है, लेकिन पढ़ा लिखा और एक्सपीरियंस डर्मेट की बात करी, मैं जो गली मोहल्लों में लेकर बैठ गए उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो किसी डर्मेट के पास जाएंगे आप केमिकल पील करवाने तो वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आप खुद से जा रहे हैं तो आप लैक्टिक एसिड पील्स और ग्लाइकोलिक एसिड पील घर में कर सकते हैं। मुझे जो पर्सनली पसंद है, मुझे लैक्टिक एसिड पील बहुत पसंद है, उसका रिजल्ट फ़ौरन आता है। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको सिखाई हुई है घर में, आप खरीदिए, उसको खुद से बनाना भी सिखाया है, किस तरह से आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर सकते हैं, मतलब जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो आप खुद बनाइए, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी झाइयाँ वो पता ही नहीं है, आपको एग्जामिनेशन कराइए कि आपकी कितनी गहरी है, अंदर है, ऊपर है, मिक्स है, ऊपर या नीचे दोनों है, आप डर्मेट्स के पास जाइए तो उसका बेहतरीन इलाज वही कर सकते हैं। और अगर नहीं आपके मतलब जाना, आपने कुछ भी नहीं करना है, तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि आप ट्रेटिनॉल या रेटिनॉल पर आ जाइए,
आपको देर में रिजल्ट मिलेंगे लेकिन मिलेंगे ज़रूर, लाजमी 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 मिलेंगे। मेरे कितने सारे सब्सक्राइबर्स जो नीचे आके लिखते हैं, जिनकी सालों सालों पुरानी, जिनकी चार चार पाँच पाँच साल झाइयाँ हैं, वो आज आकर ये लिखते हैं कि आप भी माशाल्लाह से 8 महीने हुए 9 महीने हुए, झाइयाँ जहाँ फेड होने का नाम ले रही थी वहाँ काफ़ी फेड हो गई हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब अगर हम 8 महीने 9 महीने और यूज़ करते हैं तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा खुशी होती है सुनकर कि मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हुआ, मैंने कोई चीज़ सजेस्ट की है, लोगों ने यूज़ किए, पेशेंस के साथ यूज़ किए, सब्र के साथ यूज़ किए, तो ज़रूर फ़ायदा मिलेगा ट्रेटिनॉइन अगर आप यूज़ करते हो पिगमेंटेशन के लिए, मिलाजमा के लिए, एक्ने के लिए, जिस चीज़ के लिए भी है, तो उसका आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लेती है वो, लेकिन रिज़ल्ट आपको 110% देती है, 110%। ठीक, अभी हम क्लिनिक ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे थे, जिसमें आपका सबसे पहले आ गया केमिकल एक्सफोलिएट, जो कि आप 2 एक्सफोलिएट घर में भी कर सकते हो। वैसे तो TCA भी घर में कर रही हैं लड़कियां, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, मैं इसलिए मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है उसे। बाकी ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और लैक्टिक एसिड केमिकल पील्स मैं घर में खुद कर चुकी हूँ। उसके बाद जो सेकंड ट्रीटमेंट है उसकी बात कर लेते हैं, वो लेज़र थेरेपी। देखिए लेज़र थेरेपी भी, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ पहले लेज़र ट्रीटमेंट में, लेज़र थेरेपी भी आपको किसी अच्छी जगह से कराना होता है, किसी अच्छे डर्मेट से, क्योंकि अगर डर्मेट आपका सही नहीं हुआ या क्योंकि टेक्नीशियन से आप करवा रहे हो वो सही नहीं हुआ, जिससे सब स्टैंडर्ड जो मशीन है वो यूज़ की, मतलब लो क्वालिटी की मशीन यूज़ कर दी, उसकी सेटिंग सही नहीं की, तो फिर वो आपको नुकसान ही पहुँचाएगी फ़ायदा देने के बजाय, तो आपकी जो झाइयाँ हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ट्रीटमेंट लेज़र ट्रीटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, फ्रैक्चुअल लेज़र, क्विक स्विच लेज़र, और इसके अलावा बहुत सारी लेज़र ट्रीटमेंट्स होती हैं, लेकिन फिर वही डिपेंड करता है कि आपकी जो पिगमेंटेशन है, मिलाजमा है, वो कितनी है, कितनी गहरी, कितनी अंदर है, लेकिन ये थेरेपी के रिजल्ट, इस जो लेज़र थेरेपी, इसके रिजल्ट काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। एक और बात बड़े अच्छे गौर से सुन लीजिए, बड़े अच्छे गौर से सुन लीजिए, वो ये कि IPL लाइट, कुछ सेंटर्स में जो है IPL लाइट को जो है लेज़र कहकर जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है, तो उससे जो झाइयाँ आपकी और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो अगर आपकी झाइयाँ हैं तो प्लीज़ ये IPL लाइट जो है उसको यूज़ मत करिए। फिर वही बात आ जाती है, किसी अच्छे सेंटर में आप जाइए जहाँ पर झूठ का सवाल ही पैदा ना हो, क्योंकि छोटे मोटे जो खोल के रखे होते हैं वो अपनी चीज़ को बेचने के लिए, अपनी पैसा कमाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, झूठ तो बहुत आम हो गया है। तो इसलिए आपके अगर झाइयाँ हैं तो प्लीज़ इसको आप मत करवाइए। उसके बाद आ जाती है इंजेक्शन थेरेपी। इंजेक्शन थेरेपी में, इंजेक्शन में आपको ट्रैनेक्सैमिक एसिड के इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, बहुत अच्छा उनका रिजल्ट मिलता है। उसके अलावा IV ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनका रिजल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त देखने में आता है। इसमें सिर्फ ये होता है कि आपके सेटिंग्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं, आपको फ्रिक्वेंटली करवानी पड़ती है सेटिंग्स, तो आपके जो ट्रीटमेंट होता है ज़रा लंबा चलता है, लेकिन रिजल्ट आपको उसके काफ़ी अच्छे मिलते हैं। उसके अलावा एक और ट्रीटमेंट है जिसे हम कहते हैं PRP। तो देखिए कुछ जगहों पे PRP के लिए बारे में ये कहते हैं वो सेंटर्स में कि PRP जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्टिव होता है झाइयों के लिए, झाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं। तो देखिए बड़े जो स्टडीज़ है उससे ये पता चला है कि जो रिज़ल्ट है, जो स्टडीज़ है उससे ये पता चला है कि जो ये हम नीडलिंग कराते हैं या जो माइक्रो नीडलिंग कराते हैं उससे जो है पिगमेंटेशन जो है आपको ऊपरी सतह से नीचे वाले जो लोअर सतह है वहाँ चला जाता है, और कुछ टाइम बाद जो पिगमेंटेशन है मिलाजमा है वो बहुत ज़्यादा उभर कर आपके फेस पर आ जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए मैं आपसे हमेशा बार बार कहती हूँ किसी अच्छे डर्मेट्स के पास जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये आपकी स्किन का मामला है, किसी भी अरे गैर नत्थु खैरे के पास जाकर मत बैठ जाइए, और अपना चेहरा उनके हाथों में मत दे दीजिए। वो जो कह रहे हैं आप वो मान रहे हैं, पेमेंट भी दे रहे हैं, अपना चेहरा भी बिगड़वा रहे हैं, उनकी बात पर यकीन कर, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। मतलब ये तो समझ आ ही गया होगा आपको कि झाइयाँ जो हैं इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती हैं, इनके लिए आपको बहुत अच्छी स्किन केयर करनी होती है, बहुत सारी आपने जो ख्याल करना पड़ता है, आपने सनस्क्रीन लेनी होती है, अच्छे आपने अपने क्लिनजर्स BHAs वाले यूज़ करने होते हैं। इसके अलावा जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ वो आपने यूज़ करनी होती है, पेशेंस रखने होते हैं, क्योंकि झाइयाँ इतनी आसानी से नहीं जाती हैं, आ बहुत आसानी से जाती हैं लेकिन जाने में बहुत टाइम लेती हैं। और फिर वही डिपेंड करता है कि 4 साल पुरानी 7 साल पुरानी, किसी किसी को 10 साल पुरानी भी पिगमेंटेशन होती है, जो कि बिल्कुल स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी होती है, पूरी ऊपर नीचे लेयर्स है, बिल्कुल स्किन के अंदर वो जा चुकी होती है। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर ऊपरी चीज़ है तो उसको तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ पूरी अंदर एब्जॉर्ब हो गई उसको निकलने में टाइम लगता है। अब एक एग्जांपल लीजिए ना, कोई चीज़ अगर आपके अंदर चली गई है तो उसको अगर ऊपर ऊपर है वो तो आप ऐसे करेंगे वो निकल जाएगी, लेकिन अब अगर अंदर चली गई है तो आप उसको गोदना पड़ता है साइड से, ऐसे साइड से गोद गोद के आप उसको पूरा जगह बनाते फिर वो निकलती है। तो इसी तरह से आपने क्रीम लगानी है उसको ख़त्म करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए पेशेंस रखने हैं। अगर आप, जैसा कि मैंने बताया, जो अगर आप क्लिनिक थेरेपी लेते हैं तो उनके रिजल्ट ज़रा जल्दी आ जाते हैं, लेकिन जो लोग
क्लिनिक ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लोग घर में ही जा रहे हैं, तो उनको मैं ये कहूँगी कि आप ट्रेटिनॉइन यूज़ करिए। ट्रेटिनॉइन बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। उसके रिजल्ट देर में आएंगे लेकिन मिलेंगे ज़रूर। तो बस ये थी आज की मेरी छोटी सी मिलेज्मा के बारे में वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो बताइए क्या करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसका प्रेस करना है। फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।